नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, पारसरी मुक्ति अभियान को लेकर पदयात्रा के तीसरे दिन यात्रा गिरिराज मंदिर से होकर नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई हथौड़ा हनुमान मंदिर पर समापन हुई। पदयात्रा का कई जगह स्वागत किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष शैलेंद्र रघुवंशी, भाजपा नेता रोहित भवसार सहित कई स्थानों पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। पदयात्रा जब लाल परेड ग्राउंड पहुंची तब वेदांती महाराज ने एक नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। साथ ही साथ SDM प्रकाश नायक को एक ज्ञापन सौंपा। औपचारिक बातचीत में SDM ने विश्वास दिलाया है कि जल्द ही पारसरी को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और नगर के सभी नालों की जांच कराई जाएगी। पारसरी सफाई अभियान गहरीकरण की शीघ्र योजना बनाई जाएगी। विदिशा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। और सम्मान्य न्यायाधीश महोदय श्रीमत सपना शर्मा जी भी हमारे मैं आमंत्रित करना सर्वप्रथम चंद शब्दों में एक कार्यक्रम की रूपरेखा आपके सामने रखूं पहले कि हमारे सम्मान्य न्यायाधीश अपर जिला न्यायाधीश श्री रावत साहब, आदित्य रावत जी साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं है, कैंप उनका गुरबाते हुए देखा होगा सुबह सुबह। तो आपको दिया जा रहा है कि इसको अतिक्रमण किया जाएगा और जो भी नदी नाले हैं उनकी भी जांच की जाकर उनका भी निराकरण कराया जाएगा। बोल पराशरी भैया, युद्ध के समय सारे नेता जयकारा लगाते हैं और धर्म और ये सारी बातें करते हैं, लेकिन ऐसे पवित्र कार्य में वो अपना सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो इसमें बाधा की।